गर्मी जैसे जैसे अपने असल रूप में आ रही है, वैसे ही शिमला में पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। राजधानी शिमला के कई इलाकों में 2 से 3 दिन बाद पानी की आपूर्ति हो पा रही है। आम लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। हिमाचल युवा कांग्रेस ने पानी की किल्लत से जूझ रही जनता की आवाज़ सरकार के सामने उठाने की कोशिश में मंगलवार को खाली बाल्टियां और मटके लेकर प्रदर्शन किए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकाली। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि नगर निगम शिमला जनता को पानी देने में असफल रहा है। 24 घंटे पानी देने के सभी दावे खोखले साबित हुए हैं। भाजपा सरकार से लोग त्रस्त हैं, जबकि बीजेपी रैलियों में मस्त है। और पिछले नगर निगम में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम बनी थी और उन्होंने जो सबसे बड़ा वादा शिमला वासियों के साथ किया था, अगर हमारी नगर निगम बनती है, अगर आप हमें चुनकर भेजते हो, जो सबसे बड़ी जो आए दिन जो समस्या पानी की आती है, वो समस्या को हम खत्म करेंगे और 24 घंटे शिमला वासियों को पानी दिया जाएगा। युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने के आरोप लगाए और कहा कि आए दिन सामने आ रही भर्तियों में धांधलियां सरकार की नाकामी दर्शाती है और वर्तमान सरकार चहेतों को लाभ देने के अलावा धरातल पर कुछ भी नहीं कर रही। और कहीं ना कहीं आज शिमला का एक एक निवासी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिन परिवारों में सदस्य ज्यादा हैं, वो तो इतने दुखी हैं कि आप देखिए कि चौथे या पांचवें दिन सिर्फ मात्र आधे घंटे के लिए पानी आता है, कई जगह हफ्ता हफ्ता पानी नहीं आ रहा है। उनको स्टोरेज कहीं ना कहीं स्टोरेज करने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं पानी अपने परिवार वालों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आज भी आप देखिए जो मूलभूत सुविधाएं, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं अगर सरकार पूरा नहीं कर पा रही है, तो इन सरकार को जो हिमाचल प्रदेश की जनता ने, शिमला की जनता ने जो चुनकर भेजा, तो काहे के लिए भेजा है, इसका युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट N1 लाइव के लिए।